कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले में प्रिविलेज कमेटी की बैठक 10 मार्च को होनी है। इस बैठक में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपना पक्ष रखेंगे। पहले यह बैठक 14 मार्च को होनी थी। इस बैठक में निशिकांत दुबे राहुल गांधी के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराएंगे। 7 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कई आरोप लगाए थे। राहुल गांधी के उन आरोपों पर उसी दिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बिना नोटिस दिए तथ्यहीन आरोप लगाने और उनके पक्ष में सबूत न देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है क्योंकि पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मदद का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। इसी वजह से नेटो का यह सदस्य देश जंग की शुरुआत से ही पुतिन की आंखों में चुभ रहा है। वो कई बार पोलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन पुतिन की धमकी का अब तक पोलैंड पर कोई असर नहीं हुआ। उसने जेलेंस्की के सैनिकों की मदद जारी रखी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि पोलैंड पर खतरा ज्यादा है क्योंकि रूसी सैनिकों से उसे न सिर्फ यूक्रेन की सीमाओं पर चुनौती मिल सकती है बल्कि पोलैंड की उत्तरी सीमा पर बसा कलिनिनग्राद भी उसकी बर्बादी का सबब बन सकता है। हालांकि पोलैंड रूस से काफी दूर है, लेकिन उसकी उत्तरी सीमा के नजदीक बसा कलिनिनग्राद शहर पुतिन के कंट्रोल में है और कलिनिनग्राद से पोलैंड 232 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, यानी वहां से पुतिन की सेना पोलैंड के लिए कभी भी खतरनाक साबित हो सकती है। पोलैंड को आशंका है कि रूस के राष्ट्रपति उस पर अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि वो रूसी सेना के हमले के डर से अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में जुटा है। इस काम में नेटो देश उसके साथ खड़े हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, हथियार और गोला बारूद पोलैंड भिजवाए। इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि रूसी सेना कई बार कलिनिनग्राद में परमाणु हमले का अभ्यास कर चुकी है। और यही नहीं, परमाणु हमला करने में सक्षम रूस की कई पनडुब्बियां भी वहां हर वक्त तैनात रहती हैं। इसी वजह से कलिनिनग्राद को पुतिन का परमाणु किला भी कहा जाता है क्योंकि रूस ये दावा करता है कि उसने बाल्टिक सागर के किनारे बसे इस शहर में कई परमाणु बम रखे हैं जो उसके दुश्मनों को कभी भी तबाह कर सकते हैं। इसीलिए कलिनिनग्राद का नाम सुनते ही यूरोप के देशों के पसीने छूट जाते हैं। खबर है कि पोलैंड को इस बार पुतिन के न्यूक्लियर अटैक का डर सता रहा है, जिसे देखते हुए उसने अमेरिका से अपने यहाँ परमाणु हथियारों को तैनात करने की अपील की है क्योंकि अगर पुतिन ने इस बार वो कर दिया जिसकी धमकी वो पिछले कई महीनों से पोलैंड को दे रहे हैं तो एक ऐसा युद्ध छिड़ेगा जो यूक्रेन जंग से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। इस बीच खबर है कि ना करते करते अमेरिका आखिरकार यूक्रेन की अब तक की सबसे बड़ी मदद करने को तैयार हो गया। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को अपना दमदार फाइटर जेट F-16 देकर बहुत बड़ा रिस्क उठाने का मन बना लिया है क्योंकि अगर F-16 यूक्रेन के हाथ लग गया तो ये जंग रूस और यूक्रेन की नहीं बल्कि रूस और अमेरिका की हो जाएगी।